3.5 साल का एग्रीमेंट किया था। अब आप ये बात देखिए कि एक सुन्नत को, एक शादी को, एक शादी जैसे मजबूत और पाक रिश्ते को क्या कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जा सकता है? और अगर इन मैडम जी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो फिर ये सोशल मीडिया पर इतनी बेहाइगी के साथ किस तरह से पेश आती थी, किस तरह की मोहब्बत ये जाहिर करती थी, किस तरह ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, जैसे कि ये आज भी बेवकूफ़ बना रही हैं कि ये इस बात से पर्दा ही नहीं उठा रही हैं और ना ही ये इस बात से पर्दा उठाएंगी जब तक कि ये जो अय्यूब शेख साहब के ज़माने से उनके साथ जो ये कचहरियों के चक्कर लगाती थी वहाँ पर ये डेट सर्टिफिकेट नकली कासिम सत्तानी जी का बनवाने के लिए जाती थी, जिस दिन भी वो डेट सर्टिफिकेट कासिम सत्तानी साहब का इनके पास बनकर आ गया, तो ये मेरी बात आप याद रख लेना, ये उसी दिन ही ये शो कर देंगी कि कासिम सत्तानी अब इस दुनिया में नहीं है, कासिम सत्तानी इज़ डेड। और जब तक इनका ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक इन्हें निका नामा बनवाने में टाइम लगा तब तक ये लोगों को और अपनी बातों में घुमाती रहीं, और जब इनकी ये बात पूरी हो गई तो इन्होंने लोगों के साथ ये बात को क्लियर कर दिया कि देखिए ये है मेरा निका नामा, जो चाहे नकली ही है पर मैं बनवाने में कामयाब हो गई। और उस मौलाना का भी पता अय्यूब शेख साहब ने दे दिया है, जिस मौलाना ने, जिस मस्जिद के इमाम ने उस पर अपने सिग्नेचर किए हैं, जिसे कि लोगों ने दिखाया भी है, मैंने भी अपनी वीडियो में दिखाया है कि वो एक फेक नकली निका नामा था। अब आप इस बात को ये सोचिए, ये जो कहती हैं कि लोग मेरे नाम से फेमस हो रहे हैं, जी हम आपके ही नाम से फेमस हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अम्मी का नाम भी सायरा था, हमारे अब्बू का नाम भी सायरा था, हमारी दादी का नाम भी सायरा था, हमारी पूरे ख़ानदान का नाम ही सायरा था, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि एक औरत होगी जिसके नाम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी तो फिर उसी का नाम रख लेना अपने नाम पर जिसका नाम कि सायरा होगा। हमारी पूरे ख़ानदान नस्लों का नाम सायरा ही है, और जो हम खाना खाते हैं, जो किराना स्टोर से हम सामान खरीदते हैं उस पर भी सारे किराना स्टोर वालों ने सायरा का ही नाम लिख लिया है, जितने बिजनेसमैन हैं सब ने सायरा का ही नाम लिख लिया है, क्योंकि सायरा नाम में बरकत बहुत है। और आप कह रही थी कि किसी का एक पर्दा ढको, और हमें ढकना ही चाहिए, हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो फिर जो औरत अपने शौहर की बातें ना रख सकी, जो औरत अपनी शौहर की बातों को ना छुपा सकी, तो वो ज़माने के पर्दे रख लेगी? नहीं रखेगी। जो औरत पराई बच्चियों को दलदल में धकेल दे जीनत और मुमताज़। अब ये जीनत कौन है, ये तो मिस्ट्री ही है, जीनत बच्ची का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ये तो यही बता सकती है कि जीनत कौन थी कौन नहीं थी, और इन सब बातों का जवाब भी यही देंगी। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग आपके बारे में इतना गंद बोल ही रहे हैं, लोग अपनी दुकानें आपके नाम से चला ही रही हैं, तो फिर आप गॉसिपिंग मसाला जो भी है वो देना बंद कर दीजिए, तो फिर लोग क्यों चलाएंगे आपके नाम से दुकानें, बताएं आप ज़रा इस बात को। और जो औरत अपने शौहर की पर्सनल बातें ये बताएं, आप कहती हैं अय्यूब शेख गलत है, फिर आप कहाँ से सही हो? अय्यूब शेख ने भी चलिए आपकी पर्सनल बातों को दुनिया में उछाला, एक चैन बनाकर सारी औरतों को आपकी बातें दे दी, फिर आप कहाँ पर हो? और आपका जो लड़का ये कह रहा है कि चैनल को बिलोंग्ड कर दो, जिसका भी चैनल है वो आपसे भीतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि ये सारी दुनिया आपके नाम से गिरोह हो रही है, तो आपने कभी सोचा है इस बात को, आपने कभी जाना है इस बात को, या आप पहचान रही हैं इस बात को कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं? सोचें, आप तो देने वाली हैं, जब आप देने वाली हैं तो क्यों किसी का चैनल उड़ा रही हैं आप? ये बात तो बता दें कम से कम मुझे, या फिर ऐसे ही आप घुल घुल पब्लिक को घुमा रही हैं। और जब आपकी शादी है ही नहीं अय्यूब शेख के साहब, तो क्यों उस गरीब को बुढ़ापे में आप उसका जनाजा निकाल रही हैं? क्यों आप उन्हें टॉर्चर कर रही हैं? क्यों आप उन्हें हैरेस कर रही हैं? क्यों उनकी बीवी बच्चों के नाम की FIR करवाने की धमकी देती हैं? क्यों सता रही हैं और क्यों उन्हें इतना परेशान कर रही हैं? कम से कम सिर्फ ये बात तो बता दीजिए। और बच्चों की तारीफ़ आपके वाकई जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो तरावी पढ़ने के लिए भी बियर बार बार डांसर में जाते हैं, जो पब में जाते हैं, तो बताएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे वाकई कमाल हैं। आप हर एक बात को झुठला देती हैं और कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि आपकी बातों में सच कहाँ है?
ये भी तो बताएं आप, और जिस पब्लिक को आप घुमा रही हैं, जो अकल के अंधे अकल के मारे आपकी बातों से घूम रही हैं, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अकल के मारो हैं अंधो, कम से कम ये तो पूछ लो कि कासिम सत्तानी जब इस दुनिया में जिंदा हैं तो फिर ये 15 साल किसकी बेवा बन के रहेंगे, और फिर अयूब शेख से क्यों कॉन्टैक्ट पर मैरिट की इन्होंने, और अब जब कॉन्टैक्ट पर मैरिट कर ली, जब जाहिर है किसी भी कंपनी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है, वो कॉन्टैक्ट पूरा होने के बाद इंसान उस फर्म को, उस ऑफिस को, या जहाँ पे भी वो जॉब करता है या फिर सरकारी जॉब से वो रिटायरमेंट रहता है, तो वहाँ से जाता है या नहीं, या वो सारी ज़िंदगी इनके ही झोले में बंद रहते हैं। और आज आप देखिए इनसे अलग होने के बाद नमाज, तरावी, रोज़ा, ये देखिए कितना नूर उनके चेहरे पर आ रहा है, और ये रमज़ान रमज़ान का गीत गाती रहती हैं। तो मैडम ऐसे गीता मत गाइए कि जिनकी सिंगर भी खुद हैं, जिनकी डायरेक्टर भी खुद हैं, जिनकी प्रोड्यूसर भी आप खुद हैं, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ही घर आती हो, आप ही बराती हो, आपका बेटा आपकी तारीफ़ करता है, आप अपने बेटे को, अपने बच्चों की तारीफ़ करती हैं, और पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा काम ही नहीं है। और हाँ, जब आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की इतनी मानने वाली हैं, तो उनकी एक भी किताब, एक भी हदीस, एक भी बयान मुझे ऐसा दिखा दीजिए आप जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि जीन्स और टॉप पहनना जायज़ है, बेपर्दा औरत जायज़ है, और अपने शोहरों की बेइज्जती करने वाली औरत के लिए बात जायज़ है। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार इन सब बातों का जवाब दे दीजिए, और मुझे पता है आप मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं देंगी। और जब आप इतनी बड़ी दयालु हैं, इतनी ही बड़ी आप देने वाली हैं, तो बताएं जब आप गॉसिपिंग देना बंद कर देंगी, जब आप मसाले देना बंद कर देंगी, सच मुंह पर ही आता है। एक बार मैंने अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियो में कहा था कि सारी गॉसिपिंग और सारे मसाले आप अपनी तरफ से देती हैं, आप सवाल उठाती हैं, पब्लिक आपसे जवाब देती है, तो फिर आपको मिर्चें लगती हैं, आपको मिर्चियाँ लग जाती हैं। तो फिर आज आप देखिए ये सच भी खुलकर सामने आया कि जब आप गॉसिपिंग देती हैं तभी तो इंसान उसमें मसाले का तड़का लगाता है, हींग जीरे का तड़का लगाता है, जब ही तो उन चीज़ों में। और जब आपको मैंने ये बात बोली थी, आपको कितनी मिर्चियाँ लगी थी, आपने किस तरह कहा था कि वो बुरखे वाली हाथ में माइक लेकर बैठ जाती है, किस तरह कितनी कितनी गलत बातें कही थी, आपने कभी सोचा है इन सब बातों को? नहीं सोच सकती आप, क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप जो कहती है ना ज़िंदगी 2 दिन की है, नहीं, आपकी ज़िंदगी जो है ना, तो वो सारी ज़िंदगी की है इंशाअल्लाह। आप कहती है ना अल्लाह मुझे बहुत हयाती दे, अल्लाह आपको वाकई इतनी हयाती देगा कि जो इंसान दुनिया में जैसा बोता है, जैसा करता है, वैसा ही फल पाता है। तो आप बेफिक्र रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी ही हयाती देगा, इतनी ही हयाती देगा कि जिसमें आप अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लेंगी। अरे इंसानों को तो बुरा कहने वाली, कम से कम अल्लाह का ही खौफ कर लो। कौन सी शरीयत कह रही है कि जवान 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 औरत जीन्स और टॉप पहनकर घर से बाहर निकले? अगर होटल में खाना खाने के लिए जा भी रही थी, चलिए आप कहती हैं बिजनेस के सिलसिले में ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, तो मुझे ये बताएं वो कौन सा बिजनेस है जिसमें औरत की इतनी नुमाइश करनी पड़ती है? कौन सा वो ऐसा आपका काम धंधा है जिसमें औरत की इतनी नुमाइश कर रही हैं आप? आप वाकई अपनी मगरूरी में, मतलब मैंने सुना था कि सायरा बड़ी मगरूर है, पर आपने वाकई अपनी मगरूरी की हद कर दी है, बिल्कुल हद। और ये जवाब आप हम किसी को भी नहीं दे सकती जब तक आपके पास कासिम सत्तानी का डेड सर्टिफिकेट फेक नहीं आ जाए कि सत्तानी जिंदा है, और वो भी नहीं देंगी आप, क्योंकि आपको पता है कि जो चैन अयूब ने बना रखी है, जो अयूब के साथ चैन काम कर रही है, यही तो बोलती है ना आप, वो बड़ी चला के मेरी इसमें भी कोई ना कोई पकड़ ढूंढ ही लेगी, जैसे हमने आपके फेक निका नामे में ढूंढ ली। सोचिए आप नहीं देंगी आप, आपने तो फेक निका नामा अपना शो करने के बाद ही आपने अपने माथे पे जो है पत्थर मारे होंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। और ये आप पास्ट और फ्यूचर और इनमें जो की जो बात कर रही है ना, तो सोचिए अयूब शेख की बीवी जिसके ऊपर आप केस करने की धमकी कर रही थी ना, वो भी उनका पास्ट है, वो उनका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो उनका आप हो। अगर वो कॉन्टैक्ट मैरिड में भी हो ना, नामचारे की भी शादी है, तो उनका फ्यूचर आप हो, और उनके डॉक्यूमेंट्स दे दें, मेहरबानी होगी आपकी, पर आप ऐसा करने की नहीं है। जिसे पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, जिसे नहीं पसंद आता है वो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।